दोस्तों अभी 3 महीने के बाद चुनाव है। चुनाव के अंदर जब वोट डालने जाओ तो एक चीज ध्यान रखना, पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने हमारे काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आपके खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मोदी सरकार ने जो काम हम करने की कोशिश करते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? हाथ खड़े करके बताना। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, मोदी सरकार ने 3 साल तक फाइल रोक ली, 3 साल तक। फिर हम लोगों ने उनसे लड़ झगड़ के फाइल साइन कराई। अब अगले महीने से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू होंगे। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हमारी मोदी सरकार ने फाइलें रोक ली, हमने लड़ झगड़ के सारी स्कूलों की फाइलें क्लियर कराई है इनसे। मैं 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहता था, 1.5 साल तक इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक ली मोदी सरकार ने, उनसे लड़ झगड़ के। ये जो आपके विधायक बैठे हैं, नरेश बाल्यान, गुलाब सिंह, ये सारे एलजी के पास पहुंच गए, धरने पे बैठ गए, उनके घर में घुस के तब ये साइन करा के लाए हैं सारी फाइलें। दोस्तों इन्होंने जंग छेड़ रखी है दिल्ली वालों के खिलाफ, हर काम में इन्होंने टांग अड़ाई। दोस्तों आप लोगों ने पिछली बार हमको 70 में से 67 सीट दी थी, बड़ी ताकत दी थी आप लोगों ने, लेकिन ये बीजेपी वालों को 7 सीट दे दी। इन्होंने हमारी नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोस्तों आज अगर ये 7 सीट हमको दी होती, आज अगर दिल्ली के 7 MP हमारे होते, इनकी हिम्मत नहीं है जो सीसीटीवी कैमरे की फाइल रोक देते, इनकी हिम्मत नहीं है जो मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक देते, इनकी हिम्मत नहीं है जो आपका कोई काम रोक देते। दोस्तों जैसे हमने एल जी के घर में घुस के धरना करा था, अगर ये आपका कोई काम रोक दे, संसद के अंदर हमारे 7 सांसद संसद ठप कर देते, लेकिन आपकी फाइल क्लियर करा के ले आते संसद। तो इस बार वोट डालने जाओ तो इस बारे में सोचना। पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है, कई छोटे छोटे व्यापारी आते हैं मेरे पास रोते रोते, केंद्र सरकार सीलिंग करा रही है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार सीलिंग करा रही है। हमने बहुत रोए गिड़गिड़ा इनके सामने, हमने कहा जी संसद के अंदर इनको 1 लाइन का कानून पास करना है। बीजेपी वाले चाहे 24 घंटे के अंदर दिल्ली में सीलिंग रुक सकती है। हमने इनको कहा भाई 1 लाइन का कानून पास कर दो संसद में, जो भी गुलाब सिंह ने बताया 1 लाइन का कानून पास करना है कि दिल्ली में जो दुकान जहां है उसको रेगुलराइज किया जाता है, उसकी सीलिंग नहीं की जाएगी। अगर संसद में कानून पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं है जो उसके बाद सीलिंग कर सके। दोस्तों कानून क्यों नहीं पास कर रही है? मैंने बीजेपी वालों से पूछा कानून क्यों नहीं पास कर रहे, बीजेपी वाले कहते हैं जी मोदी जी कह रहे हैं हमें लेको दिल्ली वालों की वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, सारे आम आदमी पार्टी के साथ हैं, मोदी जी कह रहे हैं मेरे को दिल्ली वालों की वोट नहीं चाहिए। इन्होंने मेट्रो के किराए बढ़ाए केंद्र सरकार वालों ने, मैं बहुत रोया, मैं बहुत लड़ा इन लोगों से, अकेला पड़ गया मैं। मैंने इनको कहा मेरे गरीब लोग हैं, 15,000 रुपए महीना कमाने वाला 2,000-3,000 रुपए महीना मेट्रो का किराया कैसे देगा? मैं बहुत रोया इनके सामने, ये लोग नहीं माने, मैं अकेला पड़ गया। अगर मेरे 7 सांसद होते संसद ठप कर देते, हिम्मत नहीं थी इनकी जो अगर मेट्रो के किराए बढ़ा देते दिल्ली के अंदर। ये खुल के कह रहे हैं बीजेपी वाले हमको दिल्ली वालों की वोट नहीं चाहिए, तो अपनी इज्जत अपने हाथ है, जब इनको वोट नहीं चाहिए तो क्यों वोट दोगे आप जाके? और अभी इन्होंने ऐसा काम करा है जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। बीजेपी को लग रहा है कि वो लोग हार रहे हैं, पूरी दिल्ली में इन्होंने 30 लाख वोट कटवा दिए, 30 लाख 2 महीने पहले मेरे पास कोई आदमी आया, बोला जी ये वोट कटवा रहे हैं, मैंने कहा झूठ बोल रहा है तू। मैंने इंक्वायरी कराई, पता चला 30 लाख वोट कटवा दिए बीजेपी वालों ने। मैंने इनसे पूरी लिस्ट मंगवाई,
इलेक्शन कमीशन से पूरी लिस्ट मंगवाई, उन 30 लाख में से 15 लाख पूर्वांचलियों के वोट है। यहां जितने लोग खड़े यूपी बिहार के, कौन कौन है जरा हाथ खड़े करना। सारे ही आप में से 15 लाख लोगों के वोट कटवा दिए बीजेपी वालों ने, 15 लाख लोगों के। क्यों कटवाए? बीजेपी वाले शुरू से यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ हैं। बंबई के अंदर आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे किस तरह से यूपी और बिहार के लोगों को ये मार मार के बाहर भगाते हैं। 3 महीने पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा गुजरात के अंदर किस तरह से इन्होंने पीट पीट के यूपी और बिहार के लोगों को भगाया। अब इन्होंने दिल्ली में भी वही काम शुरू कर दिया। दिल्ली में संगम विहार में तुगलकाबाद में बीजेपी के लोगों ने यूपी और बिहार के लोगों पर पूर्वांचलियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए। पटपड़गंज में इन्होंने बीजेपी वालों ने यूपी और बिहार के लोगों पर हमले शुरू कर दिए। मैंने सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रखा है कहीं कोई हमला हो अपनी जान पे खेल जाना, लेकिन अपने किसी भी पूर्वांचली भाई को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब ये सारी लिस्ट मैंने मंगा ली है जितने इन्होंने वोट कटवाए हैं। आप लोग चिंता मत करना, मैं लगा हुआ हूं, चुनाव आयोग से लड़ रहा हूं, 1 महीने के अंदर आप लोगों के सबके वोट वापस बनवा दूंगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबके वोट वापस बन जाएंगे। हमारे ऑफिस से फोन भी करवा रहे हैं हम सब लोगों को जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं। तो आप चिंता मत करना। ये बीजेपी वाले ये सोच रहे थे कि इनके सबके वोट कटवा दो, थोड़े दिन के बाद कहेंगे भाई तुम तो दिल्ली के नागरिक ही नहीं हो, और उसके बाद दिल्ली से भगाना चालू करेंगे। लेकिन इनको इनके जो गलत काम है वो हम होने नहीं देंगे। आपके सबके वोट कटवा रहे हैं, सबके वोट बनवा रहा हूं मैं, लेकिन यूं ना कर देना वोट तो बनवाए केजरीवाल, वोट दे आओ मोदी को। और एक और खतरनाक चीज कर रहे हैं ये लोग। आप लोग सब लोग कच्ची कॉलोनियों से हो, आपसे पूछना चाहता हूं कच्ची कॉलोनी पक्की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप खड़े करके बताओ जिस जिसको पक्की करानी है। हमारी जैसे ही सरकार बनी थी 4 साल पहले, हमने 3 महीने के अंदर कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। हमने कहा दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियां पक्की करो। 4 साल हो गए, मोदी जी फाइल पे बैठे हैं, अभी तक कच्ची कॉलोनियों को पक्का नहीं करा। फिर मैंने 1.5 साल पहले अपने मंत्री सतिंदर जैन, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मैंने उनको कहा भाई ये कच्ची कॉलोनियों को पक्का तो नहीं कर रहे, तब तक तुम सारी कॉलोनियों में सड़क नाली पानी और सीवर का काम शुरू कराओ। हमने बजट दे दिया और दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में हमने 1.5-2 साल पहले काम कराना चालू कर दिया। बताओ ठीक करा गलत करा? अब भाई साहब इन्होंने डराने के लिए हमको 1 महीने पहले सतिंदर जैन के ऊपर सीबीआई ने केस कर दिया, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर में क्या लिखा है कि सतिंदर जैन दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों को पक्का क्यों करवा रहा है और दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में विकास कार्य क्यों शुरू किए गए। सतिंदर जैन को सीबीआई वालों ने बुलाया, सीबीआई वाले कहते हैं ये तुम कच्ची कॉलोनियों का प्रस्ताव वापस ले लो, कच्ची कॉलोनियों में विकास काम बंद कर दो तो हम तुम्हारी एफआईआर बंद कर देंगे, एफआईआर खत्म कर देंगे। मैंने सतिंदर को कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, इनको करने दो जो कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी इन्होंने 33 केस कर रहे हैं, हम घबराते नहीं है इनसे। फिर इन्होंने सीबीआई वालों से पूछा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको कच्ची कॉलोनियों से क्यों दुश्मनी है, कच्ची कॉलोनियों में विकास क्यों बंद करना चाहते हो, कच्ची कॉलोनियों को रेगुलर क्यों नहीं होने देना चाहते। तो भाई साहब आप सुन के हैरान रह जाओगे, ये मोदी जी जो 24 घंटे विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम के आते हैं और वो कह रहे हैं कि ये कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली में गंदगी फैलाते हैं। इनके विदेशों से दोस्त आते हैं मोदी जी के, कहते हैं ये बड़ी गंदी लगती है कच्ची कॉलोनी उनको दिखाने में। इन्होंने प्लान बना रखा है दोबारा अगर बीजेपी की सरकार आ गई दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तुड़वाएंगे और यहाँ अडानी अंबानी की बड़ी बड़ी इमारतें बनवाएंगे। ये कह रहे हम दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। दोस्तों इस बार वोट डालने जाओ, ध्यान से वोट डालना,
सातों सांसद हमारे दे दो, इनसे लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, एक भी कच्ची कॉलोनी टूटने नहीं दूंगा दिल्ली के अंदर। हम कच्ची कॉलोनियों को सुंदर बनाएंगे, कच्ची कॉलोनियों में सड़क बनवाएंगे, कच्ची कॉलोनियों में लाइट दिलवाएंगे, कच्ची कॉलोनियों में पार्क दिलवाएंगे, कच्ची कॉलोनियों को हम सुंदर बना के दिखाएंगे, कच्ची कॉलोनियों को किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे दोस्तों। आपके घर आपके दुकानें हम टूटने नहीं देंगे। तो 3 महीने के बाद चुनाव है, जब वोट डालने जाओ बड़े ध्यान से वोट डालना, बहुत जरूरी है। पूरा देश आज मोदी सरकार को हराना चाहता है। और एक बात, कभी ऐसा मत करना आधे कांग्रेस को दिया फिर जीत जाएगा मोदी। वोट अपनी बटने मत देना। सारे जने जैसे मिलके 70 में से 67 सीट दे थी, इस बार सातों की सातों सीट आम आदमी पार्टी को दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना, आपके सारे काम डबल स्पीड से होंगे। दिल्ली के अंदर अभी तक ये काम रोका करते थे, अब काम नहीं रुकेंगे। पिछली बार आपने हमको ताकत दी थी, हमारे हाथ और मजबूत करो ताकि हम और तेजी से हम दिल्ली के काम कर सकें। भारत माता की। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।